हमने विद्यालयों में अलगाव के बारे में देखा और साथ ही सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन और जो दूरी बन रही है उसकी वजह से शिक्षक शिक्षा में जो गिरावट आ रही है उसके बारे में अध्ययन किया। वर्तमान संदर्भ में बात करें तो यह लगातार जारी है, जबकि इसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दूरी के संदर्भ में राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन तथा कोठारी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इंगित किया था। यह दुख का विषय है कि हम अभी तक विभिन्न सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्रियाकलापों के अलगाव को दूर करने के लिए ठोस प्रयास नहीं कर पाए हैं। अब हम अध्यापकों के सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक स्तर संबंधी समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्यापकों के सामाजिक स्तर से संबंधित कई पहलू हैं। पुराने जमाने में हमको वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, महावीर, बुद्ध, कृष्णमूर्ति, कबीर, विवेकानंद आदि कई उदाहरण मिलते हैं जिनका समाज में यथोचित सम्मान था। हम वर्तमान में उस सम्मान की कल्पना नहीं कर सकते। क्या वास्तव में वर्तमान के शिक्षक इस सम्मान के अधिकारी हैं? क्या ज्ञान की वही प्यास हमारे अंदर है जो प्राचीन अध्यापकों में होती थी, जिसके फलस्वरूप विशाल वाग्मय का प्रणयन संभव हो सका था? चारित्रिक दृष्टि से क्या हम उन लोगों के तुल्य है? क्या अयोग्य व्यवस्थापकों, नीति निर्धारकों, राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट शिक्षकों को फटकारने का साहस हम में है? शिक्षक देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं बना रहे हैं, तर्क और विवेक की भाषा नहीं सिखा रहे हैं, सत्य से, जीवन से, अपने यथार्थ से, देश के भीतर धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय, सहयोग और शोषण, मानवता दानवता के बीच जो भीषण संघर्ष चल रहा है उसे हम केवल तटस्थ दर्शक की भांति ही देख रहे हैं, फिर अन्याय और शोषण का साथ दे रहे हैं। ऐसा सोचने वाले, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने में भरपूर सहयोग देने वाले, समाज से प्रतिष्ठा पाने की आशा करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? अध्यापकों के इस प्रकार के आचरण का ही परिणाम है कि एक सर्वेक्षण में अनेक संवादियों ने अध्यापक को कुछ इस तरह के विशेषणों से विभूषित किया था। मस्तिष्क में क्षीण, डरा हुआ, पशु, दिल और दिमाग से शून्य, परंपरावादी, सामंतवादी, अप्रजातांत्रिक, कामचोर, बुजदिल, स्वार्थी और चालाक। यह आवश्यक है कि हम इन नकारात्मक विचारों को त्यागते हुए एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें, जिससे शिक्षक पुनः अपना शेर दिल वाला और एक परिवर्तन का जनक माना जाने वाला, चाणक्य की तरह एक चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण करने वाला शिक्षक, प्रभावी शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। शिक्षक को हीन भावना से ग्रसित है, उसको निकालना होगा और उसको एक योग्य सामाजिक स्तर प्रदान करना होगा। आस्थाहीन, पद की मर्यादा से गिरा हुआ चरित्र शिक्षक पद के योग्य नहीं। शिक्षक को अपनी नैतिकता का आचरण सदैव बनाए रखना चाहिए। शिक्षक का चरित्र ही एकमात्र वस्तु है जिससे वह अपने आप को समाज के समक्ष रखकर कुछ पाने का अधिकारी बनता है। जिस शिक्षक के पास चरित्र नहीं है वह बालकों एवं पालकों से कुछ भी नहीं पा सकता है। इसलिए अध्यापक का चुनाव करते समय पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। बौद्धिक योग्यता के आधार पर ही चयन न कर उसको अपने विषय के प्रति प्रेम, छात्रों के विकास करने का उत्साह तथा नैतिक आचरण आदि घटकों को भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है। अध्यापक का आर्थिक स्तर, अध्यापक बनने के लिए जितनी उपाधियां प्राप्त करनी होती है उसके अनुसार अध्यापक का वेतन कम है। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि अध्यापन के क्षेत्र में अच्छे, योग्य और चरित्रवान विद्वान आए और टिके रहे तो हमें शिक्षण व्यवसाय को वेतनमान और सुविधाओं की दृष्टि से प्रथम कोटि का बनाना होगा। अन्य पहलू यह है कि निजी संस्थाओं में प्राय स्थायी नियुक्ति या निर्धारित वेतनमान नहीं मिलता है और समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। अनेक संस्थाओं में भविष्य तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन आदि की सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती है। देश की स्थिति यह है कि माध्यमिक स्तर पर 51% विद्यालय निजी हैं। सरकारी विद्यालयों की कमी के कारण निजी विद्यालयों में अध्यापकों का पर्याप्त शोषण होता है। अध्यापकों को निजी प्रबंधकों की नियमों की अवहेलना को जानबूझकर नौकरी बचाने हेतु सहना होता है। कोठारी कमीशन ने भी इस हेतु सुझाव दिया था कि राज्य स्तर पर असमानता दूर की जाए, अंतरराज्यीय स्तर पर असमानता दूर की जाए और समान वेतन, समान दायित्व वाले सभी अध्यापकों को एक सा मिलना चाहिए और उनके कार्य और सेवा की स्थितियों को समान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि अध्यापकों के वेतन का प्रत्येक 5 वर्ष में पुनरावलोकन किया जाए तथा समानता के सिद्धांत के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अनुरूप अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए।
एक अन्य उपाय यह भी हो सकता है कि वेतन योग्यता अनुसार दिया जाए। किसी एमए पीएचडी को यदि नर्सरी स्कूल में भी नियुक्त किया जाता है तो वेतन वही दिया जाए जो डिग्री कॉलेज में मिलता है। इससे शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। शिक्षक को स्वतंत्र रूप से प्राप्त वेतन एवं किए जाने वाले श्रम के मध्य न्याय करना होगा। शिक्षक से त्याग की अपेक्षा भी प्रत्येक समाज द्वारा की जाती है। अध्यापक का व्यावसायिक स्तर यह एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह सत्य है कि आज लगभग सभी लोग अध्यापन व्यवसाय को विवशता में ही अपना रहे हैं, इसलिए अध्यापन के प्रति उनके मन में कोई रुचि नहीं होती। पढ़ाने में उनकी रुचि इतनी है कि वेतन पाने के लिए कक्षा में जाना है और पढ़ाना है। अधिकतर विद्यालयों में तो शिक्षक मात्र कुर्सी पर बैठे रहते हैं और विद्यालय प्रबंध द्वारा शिक्षकों को कम वेतन देकर ट्यूशन पढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रेरित किया जाता है। अध्यापक अपने अध्ययन की सीमा पाठ्य पुस्तक और उससे अनिवार्य रूप से संबद्ध सामग्री ही होती है। कुछ किसी दूसरे अच्छे व्यवसाय में भागने की तैयारी करते रहते हैं। सामान्यतः या तो अध्यापक इस प्रवचना का शिकार होता है या इस सत्य से साक्षात्कार करता है कि राष्ट्र निर्माता मैं नहीं, ये विधायक और सांसद हैं जो उपाधियां दिलवाने में समर्थ हैं, और शिक्षक अपने को उनके हाथ का खिलौना देखकर कुंठा और संतरास का शिकार बनता जा रहा है। व्यवहारिक अनुभव के कारण अध्यापक की महानता समाज के व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती है। औसत अध्यापक के जीवन की यही त्रासदी है कि सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी वह नियमों के बारे में बोल नहीं सकता है, परिवर्तन लाने का प्रयास करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। अध्यापक की व्यवसायिक स्थिति सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे। सभी स्तर के अध्यापकों के लिए त्रिसूत्री लाभ योजना, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस लागू करना चाहिए। सभी स्तर के अध्यापकों को, चाहे वे राजकीय विद्यालयों में काम कर रहे हो या निजी विद्यालयों में, सेवानिवृत्ति की वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो केंद्रीय सरकार में कर्मचारियों को मिलती है। कोठारी कमीशन का मत है कि अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होनी चाहिए और स्वस्थ अध्यापकों के लिए यह 65 वर्ष तक होनी चाहिए। अध्यापकों की सेवा की सुरक्षा करने के लिए उनकी नियुक्ति तथा स्थायीकरण पर सरकार का शिक्षा विभाग दृष्टि रखे। अध्यापकों की व्यावसायिक योग्यता बढ़ती रहे इस दृष्टि से प्रत्येक अध्यापक को सेवाकालीन शिक्षण, दीर्घकालीन सेमिनार, ग्रीष्मकालीन संस्थान आदि में भाग लेना चाहिए। 5 वर्ष के सेवाकाल में लगभग 2-3 मास के लिए वह इन कार्यक्रमों में अवश्य भाग ले। विलियम कारन ने सामाजिक आर्थिक व्यवसायिक स्तर को सुधारने के लिए यूनेस्को को कुछ सुझाव दिए। विद्यालय की जनता जितना आदर करेगी उतना ही अध्यापकों का स्तर ऊंचा होगा। अध्यापकों को कम वेतन देना बुरा है और शिक्षा का महत्व कम कर देना उससे भी अधिक बुरा है। वेतन अच्छा है और नौकरी की अधिक सुरक्षा है तो अध्यापकों का स्तर ऊंचा होगा। अध्यापकों की तैयारी और सेवाकालीन शिक्षा जितनी अच्छी होगी स्तर उतना ही अच्छा होगा। कक्षा में पढ़ाने की योग्यता अध्यापकों में जितनी अधिक होगी स्तर उतना ही अच्छा होगा। व्यवसाय जितना संगठित होगा उसके सदस्य का उतना ही अच्छा स्तर होगा। समीक्षात्मक रूप से हम कह सकते हैं अध्यापन व्यवसाय को उच्च कोटि का व्यवसाय माना जाता रहा है और किसी भी राष्ट्र का स्तर वहां के अध्यापकों से ऊंचा नहीं उठ सकता। अध्यापक की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर है कि वह कहां तक राष्ट्र की समस्याओं में दिलचस्पी रखता है। राष्ट्र की समस्याओं में दिलचस्पी का अर्थ टुच्ची राजनीति का भाग बन जाना नहीं है, इसका अर्थ है राष्ट्रीय समस्याओं पर विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करना और शुद्ध स्वार्थी सत्ता लोलुप राजनीतिक दृष्टि से लिए हुए निर्णयों का प्रतिरोध करना। अगर शिक्षक ही प्रतिरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा। दरी की तरह बिछ जाना शिक्षक को कदापि शोभा नहीं देता। प्रतिरोध न हो तो धार को मनमानी करने की छूट मिल जाती है। संभल कर बहने का पाठ कौन पढ़ाएगा धार को, वही जिसने धार को बहने का पाठ पढ़ाया है। शिक्षक राजनेताओं का निर्माता है, ऐसा न हो कि राजनेता उसका निर्माण करने लगे। बिट्रिस किंग ने लिखा है अध्यापक का घर व्यावसायिक विचारों का केंद्र है, एक गैर सरकारी परामर्श केंद्र है जहां कृषि से लेकर बच्चों के नामकरण तक के विषयों पर सलाह मिल सकती है। जहां समाज और अध्यापक के बीच इस प्रकार के संबंध बन जाएं, वहां न तो अध्यापक के घर में और न ही विद्यालय में किसी भी प्रकार का अभाव हो सकता है और समाज किसी भी तरह से शिक्षकों के प्रति उपेक्षा की दृष्टि नहीं रख सकता है। पाठ्यचर्या नवीनीकरण शिक्षा के विकास के लिए एक समन्वित 4 वर्षीय रूपरेखा प्रस्तुत है। सामान्य शिक्षा जिसमें उदार शिक्षा, ललित कलाएं, व्यवहारिक शिक्षा एक भाग होना चाहिए, शैक्षिक विषय जिसमें शाला के विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, और अध्यापन कार्य व अभ्यास पाठ व्यवसायिक व प्रायोगिक शाला अनुभव जिसमें शिक्षा के आधार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आधार,
शैक्षणिक सामग्री, विधियां, मूल्यांकन और शोध, शाला संगठन और प्रशासन, सामुदायिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, मनोरंजन और अवकाश की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम में 3 तत्वों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रथम तो छात्राध्यापक के सामान्य ज्ञान का विकास किया जाए जिससे वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति बन सके। द्वितीय, उसको अपने अध्यापन विषयों का अधिकाधिक अध्ययन करवाया जाए ताकि वह शालाओं में विद्यार्थियों को सही ज्ञान प्रदान कर सके। और तृतीय, उसकी व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। व्यावसायिक शिक्षा को 2 अंगों में विभाजित किया जा सकता है। छात्राध्यापकों को नवीनतम शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाए, उनको शालाओं में अभ्यास पाठ के अतिरिक्त उन सभी अनुभवों से परिचित कराया जाए जो एक अध्यापक के लिए आवश्यक हैं। स्कूल का यह अनुभव शिक्षक के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में होना चाहिए जहां वह नवीन विचारों का परीक्षण और प्रयोग कर सके। कुछ सैद्धांतिक विषयों का समावेश भी इस पाठ्यक्रम में किया गया है जिससे भावी शिक्षक शिक्षा की समस्याओं को सामाजिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझ सके। उसको सामुदायिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से परिचित कराया जाए। उसको एक व्यवहारिक शिक्षक बनने की दृष्टि से व्यवहारिक कार्य, मनोरंजन, अवकाश की शिक्षा दी जाए। इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षा समान होगी, अंतर केवल विशिष्टीकरण के स्तर पर होगा। प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को इससे संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान और शिक्षण विधियों का ज्ञान कराया जाएगा और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा के अनुकूल ही पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। सर्वांगपूर्ण महाविद्यालय की भी संकल्पना ही जिसमें 3 प्रकार के महाविद्यालय रखे जिनमें अलग अलग स्तर पर बीएड पे, एसटीसी पे तथा महाविद्यालय के सर्टिफिकेट कोर्स और पीएचडी के संदर्भ में 3 कैटेगरी करके और एक संकल्पना रखी गई है। विविध स्तरों पर अध्यापक शिक्षा का पाठ्यचर्या प्रारूप। अध्यापक शिक्षा के विविध स्तरों पर पूर्व बाल्यावस्था अध्यापक शिक्षा, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा, उच्च माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा एवं अधिस्नातक अध्यापक शिक्षा पर विविध समय पर गठित समितियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। नवीनतम आयाम इस दिशा में एनसीईआरटी द्वारा दिया गया नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। नवीन संप्रत्यय, शिक्षा आयोग 1964-68 ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों में नए प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इसी के प्रेरणा से शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य न सिर्फ विद्यालयों में आवश्यक रह गया वरन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरों के अध्यापकों के लिए भी अभिनवन एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य प्रदान करने की कार्रवाई आरंभ हुई और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के माध्यम से इस दिशा में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना लगभग प्रत्येक राज्य में की गई है जिसके माध्यम से यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा में संलग्न शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। अध्यापक शिक्षा में मूल्यांकन, अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन। अध्यापक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध विद्वान H.G. वेल्स ने उसके कार्य के महत्व को देखते हुए उसे राष्ट्र का निर्माता कहा है। अध्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, अध्यापक जो कार्य कर रहा है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अध्यापक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाई जाने वाली कमियों को दूर करना। जो भी छात्राध्यापक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए आ रहे हैं उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में आवश्यक और ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। यदि उनका मूल्यांकन ठीक प्रकार से होगा तभी उनमें सुधार ठीक प्रकार से किया जा सकेगा। अध्यापकों द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने पर उन्हें प्रोत्साहित करना। जो भी अध्यापक श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, जो छात्राध्यापक अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उत्प्रेरणा तथा कुछ पारितोषिक प्रदान करने की प्रक्रियाएं निसंदेह अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विकास में सहायक सिद्ध होंगी। अध्यापक का छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में योगदान को परखना। जो शिक्षक शिक्षा में संलग्न अध्यापक हैं वे छात्रों के व्यक्तित्व को किस प्रकार से सर्वांगीण विकास की संकल्पना में ठीक प्रकार विकसित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसकी जांच करना भी एक आवश्यक संप्रत्यय है जिसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। अध्यापक की सहायता करना ताकि वे अपने कार्य को कुशलता से संचालन कर सकें। यहां मूल्यांकन करने के उपरांत अध्यापक को ठोस सुझाव प्रस्तुत करके उसके विकास में सहायक बनना और साथ ही अध्यापक के माध्यम से छात्राध्यापकों के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा
विविध कौशलों और विधियों के विकास में उसको सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण घटक है। अध्यापकों की उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता को पहचानना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन शिक्षक छात्राध्यापक ठीक प्रकार से अपने उत्तरदायित्वों का या कौन से उत्तरदायित्वों का अच्छे प्रकार से निर्वहन कर सकता है, उनको पहचान के उसको उस दिशा में आगे बढ़ाना। अध्यापक के प्रमुख उत्तरदायित्व, अध्यापक के कुछ प्रमुख उत्तरदायित्व निम्न है। पाठ्यक्रम का विकास एवं संचालन, वैसे तो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, फिर भी अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वे विभिन्न उदाहरणों से अपने आसपास के परिवेश के माध्यम से और अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम को विकसित करके समाज में जो जाने वाले विद्यार्थी हैं उनको और शिक्षक बनने वाले विद्यार्थियों को प्रेषित कर सके, जिसके माध्यम से वे विषय ज्ञान के साथ साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। व्यक्तिगत अंतरों का निराकरण एवं विकास स्तर, कई जगह विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर आ रहे हैं, पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे बातें आ जाती है जिनकी वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो उनका निराकरण करके और एक विकास के स्तर पे हम विषय वस्तु को ले जा सके, यह अत्यंत आवश्यक होता है। और इसके लिए समन्वय की नीति अपनाते हुए विद्यार्थियों को समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करते हुए आगे बढ़ाने की संकल्पना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम, अध्यापक का कार्य जो आपको संप्रेषण करने का है उसको प्रभावशाली बनाया जाए और विद्यार्थी ठीक रूप से अधिगम कर सके, जिस प्रारूप में शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कोई चीज दी जा रही है ठीक इसी प्रारूप को विद्यार्थी ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे, तभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की पूर्णता मानी जाती है। वर्तमान संदर्भ में इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक का और विद्यार्थियों के स्तर में एक बहुत बड़ी खाई होती है, जिसकी वजह से विद्यार्थी शिक्षक के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है और उसकी वजह से शिक्षक जो कुछ भी ज्ञान प्रदान कर रहा है वह विद्यार्थी ठीक प्रकार से नहीं समझ सकता है। तो दोनों को, शिक्षक को अपने ज्ञान को थोड़ा नीचा करना होगा और विद्यार्थी को अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर ले जाकर संप्रेषण को प्रभावी बनाते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। शिक्षक को इसके लिए विशेष प्रयास करने की भी आवश्यकता होती है। उचित कक्षा प्रबंध, कक्षा कक्ष प्रबंध एक अध्यापक का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी कक्षा में किस प्रकार से विषय वस्तु का, कक्षा वातावरण का, विद्यार्थियों का और जो भी प्रक्रियाएं कक्षा कक्ष के अंतर्गत हो रही है उसका संचालन ठीक प्रकार से करे। छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन, शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि छात्र द्वारा जो भी गतिविधियां, होम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क या कुछ अन्य उसको मोटिवेशनल एक्टिविटीज अगर करवाई जा रही है तो उनके माध्यम से उनका ठीक प्रकार मूल्यांकन करते हुए छात्रों को विकास के लिए नई राह, नई दिशाएं प्रदान कर सके। व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन, विद्यार्थियों को भावी जीवन में एक सफल नागरिक बनाने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवसायिक मार्गदर्शन करना एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार करना, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमारे समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसी के माध्यम से शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। विद्यार्थियों को प्रभावी सामुदायिक संबंध स्थापित करने के योग्य बनाना भी शिक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व है। संपूर्ण विद्यालय कार्य साधकता, विद्यालय से संबंधित जितने भी प्रशासनिक, सामाजिक और जो विद्यार्थियों के विकास में और समाज के विकास में सहयोगी कार्य हैं उनको ठीक प्रकार से संपन्न कराने का उत्तरदायित्व भी शिक्षक का ही होता है। छात्रों का सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षा परिणाम, छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में कितना सफल हो पाते हैं, सार्वजनिक जीवन में उनकी उपलब्धि कितनी हो पा रही है और वे समाज को कितना अपना योगदान दे पाते हैं, उसके संदर्भ में भी अध्यापक का एक उत्तरदायित्व बनता है कि वह सार्वजनिक परीक्षा परिणाम के दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को विकसित करे। छात्रों का चारित्रिक विकास करना, वर्तमान समय में इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। हम प्रत्येक विद्यालय में, शिक्षण संस्थान में, विश्वविद्यालय में न सिर्फ स्थानीय स्तर पर वरन राष्ट्रीय स्तर पर भी ह्रास की स्थिति देख रहे हैं। इसको दूर करके और दृढ़ और उत्तम चरित्र वाले योग्य अध्यापकों को आगे लाकर समूचे विद्यार्थी विद्यालयी जगत में और समाज और राष्ट्र में एक दृढ़ चारित्रिक विकास की संकल्पना को देने का उत्तरदायित्व भी शिक्षकों का ही है। अन्य साथियों के साथ बर्ताव,
विद्यार्थी बहुत कुछ अपने शिक्षकों को देखकर सीखते हैं। यदि विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षकों का आपस में अन्य साथियों के साथ बर्ताव उचित नहीं होगा तो संभव है कि वे समाज में अपने व्यवहार में उन चीजों को अपना लें और ठीक से बर्ताव न शिक्षकों के प्रति करें और न ही समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति। अतः साथियों के प्रति बर्ताव भी शिक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व है, यह एक सही दिशा में बर्ताव होना चाहिए। अध्यापक की मूल्यांकन विधियां। अध्यापक को मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए कि अध्यापक अपने कार्यों को ठीक प्रकार से निर्वहित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके विकास की कैसी दशाएं हम अध्यापक को प्रदान करें, उनको विकसित करने के लिए, अध्यापक को प्रेरणा देने के लिए, अध्यापक को सुधार के लिए आगे कुछ सुझाव देने के लिए अध्यापकों का मूल्यांकन किया जाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी निम्न प्रक्रियाएं हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों का परीक्षा फल। कोई भी अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहा है, अंत में अध्यापक द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा उन छात्रों की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा फल के आधार पर भी यह पता चलता है कि अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में किस स्तर तक सफल हुआ है और छात्रों ने किस स्तर तक का ज्ञान प्राप्त किया है। स्वयं मूल्यांकन। अध्यापक स्वयं मूल्यांकन करके भी इस तथ्य को जान सकता है कि अध्यापक की स्वयं की स्थिति क्या है। वह प्रत्येक कक्षा के बाद स्वयं का मूल्यांकन करता है और यह अनुभव करता है कि कौन सी ऐसी बातें, विषय वस्तु, उदाहरण तथा नवीन परिस्थितियां हैं जिनका वह कक्षा कक्ष में ध्यान रख सकता था और उसके आधार पर स्वयं में सुधार करने का प्रयास कर सकता है। छात्रों द्वारा अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के द्वारा अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बारे में हालांकि कई असमंजस्य नहीं है। कारण इसका यह है कि छात्र उन अध्यापकों के मूल्यांकन को ठीक रूप से कर देते हैं जो छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें अनावश्यक छुट्टियां या कक्षा में नहीं उपस्थित होने पर प्रेजेंट दे देते हैं या विद्यार्थियों को अनावश्यक गलत तरीके से उनका मूल्यांकन करके अनावश्यक लाभ प्रदान करते हुए उन्हें परीक्षा में उच्च अंक प्रदान कर देते हैं। जबकि कठोर अनुशासन वाले योग्य अध्यापक तथा जटिल विषयों के अध्यापकों को छात्र कम अंकन करके आंकते हैं। तो इस परिस्थितियों में जब तक विद्यार्थी पारदर्शिता से और उन अपनी ठोस समझ के साथ अध्यापकों का मूल्यांकन नहीं करते हैं तब तक यह मूल्यांकन प्रभावी नहीं हो सकता है। साथी अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन। अध्यापक का अपने साथियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाना भी एक आवश्यक घटक होता है, क्योंकि अध्यापक जिन साथियों के साथ रहता है वे साथी आपस में एक दूसरे अध्यापकों की कमियों अच्छाइयों को ठीक प्रकार से जानते हैं और वे मूल्यांकन करके अगर ठोस सुझाव देते हैं तो उन अध्यापकों की कमियों को दूर करने में सकारात्मक प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इसका एक पहलू यह है कि जो अध्यापक है वे साथी अध्यापक की बात को महत्व नहीं देते हैं या उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वे द्वेष की भावना पाल लेते हैं या ईर्ष्या की भावना पाल लेते हैं और उनका वास्तविक विकास बाधक हो जाता है। इस तरह अध्यापकों के साथियों द्वारा मूल्यांकन करने में अच्छा ही तो है, लेकिन हमको ये सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा कि अध्यापक परस्पर द्वेष की स्थिति पाल के मनमुटाव न रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास करने की दिशा में सुझाव प्रदान करें। शिक्षा निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन। विद्यालयी स्थितियों में कई जगह यह सामने आया है कि अध्यापक अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से नहीं जाते हैं, ठीक प्रकार से पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं, तो उनका मूल्यांकन शिक्षा निरीक्षकों के द्वारा किया जाना एक ठोस प्रभावकारी कदम साबित होता है, क्योंकि शिक्षा निरीक्षक का किसी भी विद्यालय शिक्षक से सीधा संपर्क नहीं होता है और वह आगे जाकर अपने अधिकारियों को और सरकार में अपनी सूचनाएं दे सकता है और उन शिक्षकों के विकास के प्रयास कर सकता है। शिक्षा बोर्डों द्वारा मूल्यांकन, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके मूल्यांकन से भी यह कार्य किया जा सकता है और समुदाय द्वारा भी मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्र द्वारा अध्यापक रेटिंग के लाभ और हानियां आपको दी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। निरीक्षकों द्वारा अध्यापक कार्य रेटिंग का प्रपत्र एक यहां बताया है कि किस प्रकार से निरीक्षक अध्यापक के कार्य का परिवर्तन कर सकता है। समुदाय द्वारा रेटिंग, सैद्धांतिक रूप से भी मान्य है कि समुदाय अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन करे तथा उसके पश्चात रेटिंग, परंतु वास्तविक परिस्थितियों में यह संभव प्रतीत नहीं होता है
फिर भी समय समय पर समुदाय के सदस्य व अभिभावक विद्यालय जाकर अध्यापकों से संपर्क कर अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करें और सुझाव भी दें। अध्यापक बच्चों के लिखित कार्य पर भी नजर रखें। विद्यालय में नियमित तौर पर कार्य हो और अध्यापक बच्चों में रुचि रखें। अध्यापक अभिभावक संघ भी समुदाय रेटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक निष्पादन मूल्यांकन की विधियां एवं प्रविधियां, जिसमें प्रक्रियागत मापदंड हैं, योग्यतागत मापदंड और उत्पादक मापदंड हैं। अध्यापक के गुणों में व्यवहार में लचीलापन, भलीभांति शिक्षण की तैयारी करना, व्यवस्थित शिक्षण, मित्र के समान सहायक, निष्ठावान और लगनशील तथा प्रभावी संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यापन अभ्यास मूल्यांकन की वर्तमान अवस्था। विश्वविद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और तरीकों पर बहुत भिन्नताएं पाई जाती है। लगभग 26 महाविद्यालय आंतरिक मूल्यांकन के लिए पाठ योजना और शैक्षणिक सामग्री की तैयारी पर और प्रयोग पर विशेष आग्रह देते हैं। कुछ अन्य महाविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेना, सहपाठियों के अभ्यास पाठों की अवलोकन करना, दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार करना, अनुशासन रखना, समालोचना आदि को महत्व देते हैं। आंतरिक मूल्यांकन की और अंतिम जांच की विधियों में भी काफी अंतर है। कुछ महाविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का निर्धारण बाह्य परीक्षकों तथा आंतरिक परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के योग के आधार पर होता है। शिक्षक प्रशिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि प्रशिक्षार्थी को स्वयं मूल्यांकन पद्धति से परिचित कराए और अपने कार्य की स्वयं जांच करने की क्षमता प्रदान करे। उसकी व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से निम्न क्रियाओं का आयोजन करना पड़ेगा। पाठ पढ़ाने की योजना बनाना, योजना अनुसार कक्षा में पढ़ाना, योजनाबद्ध उद्देश्यों का मूल्यांकन करना और व्यवहारगत परिवर्तनों को जांचना, परीक्षा फलों के आधार पर शिक्षण की पुनः योजना बनाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मकता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। और जब तक शिक्षक प्रभावी रूप से मूल्यांकन नहीं करेगा, तब तक वह छात्राध्यापकों का ठीक प्रकार से विकास करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता है। और इसी के साथ शिक्षक का मूल्यांकन भी आवश्यक है, ताकि शिक्षक अपने स्तर पर संतुष्ट रहता हुआ विकास की ओर प्रेरित न होगा तो समाज और राष्ट्र को भारी नुकसान दे सकता है। अतः शिक्षक को अपना ज्ञान अपडेट रखना चाहिए और शिक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं में भी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। मूल्यांकन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है।